আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আল্লাযী বিনিআমাতিহি ওয়া ফাদলিহি ওয়া ইহসানিহি ওয়া আউনিহি তাতিম্মুস সালিহাতু ওয়া তাকমুলুল খায়রাতু ওয়া তাতাহাককুল হাসানাতু। وصلى الله وسلم على محمد المصطفى المبعوث معلما وعلى آله نجوم الهدى ومصابيح الدجى وأصحابه معلم الإنسانية ومربي البشرية وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قطر الندى، شرح قطر الندى। अल्लाह के नाम से शुरू कर देते हैं। वक्तन फवक्तन चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, इसका दर्स भी अल्लाह ताला मुफीद बनाए। इब्ने हिशाम रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है कतरुन नदा, और उसकी शर्ह शर्ह कत्र नदा, ये साद में नस है और शीन में शर्ह है। साद से मतन मुराद होगा नस और शीन से शर्ह। इससे इंशाअल्लाह ताला नहो मजबूत होगी और इजरा भी करेंगे साथ में इंशाअल्लाह ताला। साथ में नहव का इजरा भी किया जाएगा, ताकि नहव सिर्फ नजरियाती तौर पर ना सीखें बल्कि उसको बरतना, अमल में लाना, जो असल मकसूद है वो समझें। बहुत सारे लोग नहव सर्फ में माहिर होते हैं, उसके नोको पल से वाकिफ होते हैं, बाल की खाल निकालना जानते हैं, लेकिन अरबी के चंद जुमले बोलने से आजिज होते हैं, क्योंकि वो नज़रियाती तौर पर जानते हैं। अमलियत और प्रैक्टिकल उनकी ज़िंदगी में और उनके इल्म में नहीं होता है, इसीलिए किसी ने कहा है वलस्तु बिनहवीयिन यलूकु लिसानहु, वलस्तु बिनहवीयिन यलूकु लिसानहु, वलाकिन्नी सलीकियुन अकूलु फअरिबु। मैं नहवी नहीं हूं जो अपनी जबान को तोड़ मरोड़ कर बड़ी मुश्किल से पेश करता है चंद कलिमात बतकल्लुफ। मैं तो बिस्सलीका बिस्सलीका वत्तबीआ वल्फित्रा वस्सजीया फसीहुल लिसान हूँ, कहता हूँ तो फसीह लफ्ज और वाज़ह बयान और ताबीर बोलता हूँ। अरिबु यानी उवद्दिहु व उफसिहु बिल मुराद, इसलिए मकसूद से ध्यान नहीं भटकना चाहिए, मकसूद की तरफ जरूर आदमी को नजर रखना चाहिए। कोई भी काम लो के एक वसीला होता है, एक मकसूद होता है। इंशाल्लाह जो बातें अहम होंगी, ज्यादा अमली होंगी, उन पर ज्यादा तरकीज की जाएगी। जो नजरियाती होंगी या मंतिकी होंगी, उन पर ज्यादा जोर सर्फ नहीं करेंगे। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला इसको नाफे व मुफीद बनाए। तारीफ बिल कलिमा, कलिमे की तारीफ। ये
ये किताब कहां से छपी है ये भी आप देख लीजिए। अभी मोहम्मद अब्दुल्लाह जमालुद्दीन इब्न हिशाम अल अंसारी अल मुतवफ़ा सनत एहदा व सित्तीना व सब मिअतिन 761 में इब्न हिशाम रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। एक इब्न हिशाम सीरत निगार हैं, वो मुतकद्दिम हैं जिनकी सीरत इब्न हिशाम है। ये नहवी हैं, ये 8वीं सदी के हैं, इसलिए एक ही ना समझना चाहिए के इब्ने हिशाम का नाम सुना आपने तो सीरत इब्ने हिशाम वाले भी वही हैं और शरह कतरुन्नदा वाले भी वही हैं, ये नहीं है। इसमें तो हो सकता है अक्सर लोग जानते हो, लेकिन कुर्तुबी में बड़ा शुभा होता है लोगों को। कुर्तुबी इनकी तफसीर है अलजामिउल अहकामिल कुरान, और उनकी मुस्लिम की शरह है वो उनकी नहीं है लेकिन कुर्तुबी की है, तो लोग समझते हैं ये दोनों एक हैं, तफसीर वाले कुर्तुबी और शरह मुस्लिम लिखने वाले कुर्तुबी। हालांकि ये अलग अलग शख्सियत है, कुर्तुबा के रहने वाले थे इसलिए कुर्तुबी कहा गया। तो कुर्तुबी मुहद्दिस अलग हैं, कुर्तुबी मुफस्सिर अलग हैं, शारह मुस्लिम अलग हैं और अलजामिउल अहकामिल कुरान के मुअल्लिफ अलग हैं। तो बहरहाल फर्क जानना चाहिए। दारुल कुतुब इल्मिया से ये किताब छपी है। इब्न खल्दून ने इब्न हिशाम के बारे में क्या फरमाया, माजिलना व नहनु बिल मगरिब नस्मउ अन्नहु ज़हरा बिमिस्र आलिमुन बिल अरबिया युक़ालु लहु इब्न हिशाम अनहा मिन सीबवैह। हम मुसलसल मगरिब के दियार में ये चर्चा सुनते थे कि मिस्र में एक आलिम पैदा हुए हैं अरबी के, जिनका नाम इब्न हिशाम है, सीबवैह से भी ज्यादा नहो का फन जानते हैं वो। दमामीनी कहते हैं लो आशा सीबवैह है लम युमकिन हो इल्लत तलमजतु लिवालिदी का वल किरात वल्किरातु अलैह। दमामीनी ने इब्न हिशाम के एक बेटे से कहा अगर सीबवैह जिंदा होते तो उनको आपके वालिद के सामने जानुए तलम्मुज़ तह करना होता। इनका तर्जमा और सवाहने भी देख लीजिए मुख्तसरन। अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ इब्न अहमद इब्न अब्दुल्लाह इब्न हिशाम अल अंसारी अल मिस्री अल खजरजी الشافعي الحنبلي अच्छा الشافعي الحنبلي इसका मतलब पहले शाफई थे फिर बाद में हम्बली मसलक इख्तियार कर लिया। अलमुलक्कब बिजमालुद्दीन अलमुकन्ना बि अबी मोहम्मद, मोहम्मद अकबर वलदै, मोहम्मद सबसे बड़े बेटे थे। 708 हिजरी में पैदा हुए। उनके अशआर भी हैं। शाफियुल मजहब थे और इल्म तफसीर पढ़ाते थे काहिरा में, फिर हम्बली मसलक इख्तियार कर लिया, ये सराहत मिल गई है 5 साल पहले। ये कहना सही नहीं है, ये लाम लाम आकिबत होगा, ये मुअल्लिम बनने के लिए मदरसा हम्बलिया में मनसब हासिल करने के लिए कि हम्बली मदरसे में वो सदरुल मुदर्रिसीन बन जाएं, इसलिए मजहब हम्बली इख्तियार नहीं किया होगा, बल्कि वो फिर हनाबिला के फिर इमाम बन गए। जब मजहब हम्बली अपने शरह सदर से हासिल किया तो ये मनसब उनको मिल गया। लामे आकिबत कहते हैं इसको, क्योंकि हम इतने बड़े आकिल और
आलिम से ये उम्मीद नहीं रखते कि हम मनफात दुनिया के लिए या रियासत और सदारत के लिए ये इख्तियार किया। आप इल्मी इज्तिहाद कर सकते हैं, गुंजाइश है, कोई बात नहीं है ऐसी। कई उलमा एक मसलक से दूसरे मसलक में तब्दील होते हैं, सब इज्तिहाद हैं, और अल्लाह तबारक व ताला इंशाल्लाह सबको मंजूर नजर फरमाएगा, सबको कबूल फरमाएगा। 761 में इंतकाल हुआ और मकाबिर सूफिया में काहिरा में दफन हुए। यज़हरु सिफात उलूम अन इब्न हिशाम कान यतमत्तउ बिज़काइन खारिक, खारिकुल आदत ज़हानत थी और कई उलूम में माहिर हो गए, नहव, फिक्ह, अदब, तफसीर, लुगत, अपने मुआसिरीन बल्कि शुयूख पर भी फाइक हो गए। उलूम अरबियत में तो महारत थी ही सही, अदीब भी थे, शायर भी थे। अबू हय्यान से लेकिन इनकी चश्मक थी, क्यों? क्योंकि अबू हय्यान कान मुनफरिदन बिहाज़ल फन, ने इस फन के फर्द फरीद थे अदब के। तो फिर ये भी माहिर हो गए इल्म अरबियत में, तो जाहिर है चश्मक हो जाती है एक ही फन के लोगों में। और अखलाकी एतबार से तवाज़ो, एहसान, वसअत क़ल्ब, दीनदारी, हुस्न सीरत, ये सब इनके अंदर औसाफ मौजूद थे। इनके शुयूख में कौन है? शेख शिहाबुद्दीन अब्दुल लतीफ, शेख इब्नु सर्राज, ताजुद्दीन तब्रेजी, फाकिहानी, बदरुद्दीन इब्ने जमाआ, जिनकी गालिबन वो किताब है तज़किरतुस्सामिअ वल्मुतकल्लिम फिल आलिम वल्मुतअल्लिम, अबू हय्यान नहवी, तलामीज़ा में मुहिबुद्दीन, जमालुद्दीन लखमी, अब्दुल खालिक इब्नुल फुरात, सिराजुद्दीन अश्शाफ़ई, बड़े आलिम थे, मुत्तकी थे, और उनके अकीदे और दीनदारी और सुलूक पर कोई शुबा नहीं किया जाता था और नहीं किया गया आज तक। मजहब शाफ़ई के फकीह थे लेकिन फिर हम्बली बन गए। इब्न हजर अस्कलानी ने भी इनकी तारीफ की है और इनकी नहव के फन में बेशुमार किताबें, अल-मुग़नी, मुग़नी लबीब इनकी मशहूर किताब है नहव के फन में, और भी बेशुमार किताबें हैं। बहरहाल इतना काफी है, अब शुरू करते हैं असल किताब। अल-कलिमतु क़ौलुन मुफ़रदुन, कलमे की तारीफ, बहुत मुख्तसर तारीफ की है इन्होंने कलमे की। कलमा कौले मुफरद है, यानी वाहिद, एक लफ्ज बामाना। इसकी शरह, कलमे का इतलाक लुगत में जुमलाए मुफीदा पर होता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, हरगिज़ नहीं, ये एक बात है, ये शख्स जिस बात को कह रहा है। और अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है इशारा करते हुए कि इंसान जब मरेगा तो कहेगा, रब्बिरजिउनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक, अल्लाह मुझे लौटा दीजिए, मैं नेक अमल करूंगा जो छोड़ आया हूं, दुनिया में नेक अमल नहीं किया है, अब जाके नेक अमल करूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, यानी ये लव बात है, ये बकवास है जो कर रहा है। इस्तिलाह में
कलमा कौल मुफरद को कहते हैं। कौल से मुराद वो लफ्ज है जो माने पर दलालत करता हो, जैसे आदमी और फरस। उर्दू में चाय वाय, तो वाय को कलमा नहीं कहेंगे बल्कि चाय को कलमा कहेंगे और चाय को कौल कहेंगे, वाय को कौल भी नहीं कहेंगे क्योंकि माने पर दलालत नहीं करता है। अच्छा, तो कौल बामाना लफ्ज, दलालत करने वाला माने पर। लफ्ज किसको कहते हैं? लफ्ज तो आवाज को कहते हैं जो बाज हरूफ पर मुश्तमिल होती है। वाय ये लफ्ज आएगा लेकिन कौल नहीं कहलाएगा, लफ्ज कहलाएगा। ख्वा वो दलालत करे माना पर जैसे जेब, या दलालत ना करे जैसे देज या जैसे चाय। ये लफ्ज दलालत कर रहा है और वाय ये लफ्ज दलालत नहीं कर रहा है। बाद में मायने हो गए वाय के नाश्ते के, वरना असलन वो तो चाय के साथ बोल देते हैं। ये जेद का मकलूब है। वक़त तबैयना, और ये बात वाज़े हो गई कि हर कौल लफ्ज होता है और हर लफ्ज कौल नहीं होता है, क्योंकि कौल के लिए बामाना होना शर्त है, तो इसलिए हर लफ्ज कौल नहीं होगा। वाय ये कौल नहीं है, लेकिन जो कौल होगा लफ्ज जरूर होगा। ये ऐसा ही है जैसे कुल्लु इंसानिन हैवानुन वलैसा कुल्लु हैवानिन इंसानन, क्या हर इंसान हैवान होगा लेकिन हर हैवान इंसान नहीं होगा। घोड़ा भी हो सकता है लेकिन इंसान है तो जानवर जरूर है, जानदार है। जानवर का मतलब जानदार। मुफरद जो कहा है तो उससे मुराद है कि उसके अगर अज्जा किए जाएं तो उसका वो जुज माने के जुज पर दलालत ना करता हो, जैसे जैदुन। जैद के ये अज्जा हैं जा या दाल, आप इनको अलग अलग कीजिए। इजा उफ्रिदत, जब इनको अलग किया जाए ला तदुल्लु, तो ये दलालत नहीं करेंगे किसी चीज पर जिस पर के जैद दलालत कर रहा था। यानी ऐसा नहीं है कि जा से मुराद जैद का सर और या से मुराद जैद का सीना और दाल से मुराद जैद के पांव हो, मतलब उसके अज्जा पर दलालत है। जैद पूरा जैद है और जा ये सुलुस जैद है, ऐसा नहीं है। बरखिलाफ आपके कौल गुलाम व जैदिन के, क्योंकि इसके दोनों जुज में से हर जुज यानी गुलाम और जैद दलालत कर रहा है माने के जुज पर। जैद का गुलाम, अब गुलाम कहेंगे तो गुलाम मुराद हुआ, पहले भी गुलाम के मायने गुलाम के थे, अब भी गुलाम के मायने गुलाम के हैं। पहले जैद का गुलाम था, अब सिर्फ गुलाम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैद के जो मायने थे तो जा के अंदर अभी भी मायने मौजूद हों और जैद का सर मुराद हो, ये नहीं है। क्योंकि गुलाम और जैद ये दोनों दलालत कर रहे हैं माना के जुज पर, तो जब उनको अलग अलग किया जाए तो वो जुज माना के जुज पर दला, यानी पहले वाले मानी का कुछ हिस्सा मौजूद हो तो ये मुरक्कब कहलाएगा, और अगर वो मायने मौजूद ना हो तो ये मुफरद कहलाएगा। जैद के जा में वो मायने मौजूद नहीं है तो जैद ये मुफरद कहलाएगा। समझो, मुफरद माने तन्हा और मुरक्कब माने मिले हुए, दो कौल से मिले हुए ये मुरक्कब। जैद ये एक है और जैद का लड़का वलद जैदिन ये मुरक्कब है, सीधी सी बात। फैन कुलता, ये तो पुराना अंदाज है, अगर आप कहें फैन कुलता लिमा श्तरत्ता फिल कलिमति अल वज़अ, लिमा लश्तरत्ता, कि आपने कलमे में वज़अ की शर्त क्यों लगाई।
कमश्तरत मन काला, जैसा कि उस शख्स ने शर्त लगाई जिसने कहा कि अल कलिमतु लफ्जुन वुज़िअ लिमअनन मुफ़रद, कलमा वो लफ्ज है जो वजा किया गया हो मानाए मुफ़रद के लिए। आपने वुज़िअ का लफ्ज क्यों नहीं बोला? कुल तो मैं कहूंगा इन्ना महताजु इला ज़ालिका, उन लोगों को वुज़िअ का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी, ले अख़्ज़िहिमुल लफ्ज़ा, क्योंकि कलमे की तारीफ में उन्होंने लफ्ज को कलमे की जिन्स बनाया है, जिन्सन लिल कलिमा। और लफ्ज की दो तकसीम होती है, मौजू यानी बामाना और मुहमल यानी बेमाना। तो मुहमल से परहेज करने के लिए, एहतराज अनिल मुहमल, मुहमल से परहेज करने के लिए उनको बिजिक्रिल वजा, वजा के जिक्र की जरूरत पड़ी, उनको जरूरत पड़ी मुहमल से परहेज करने की, मुहमल को निकालने की। और वो कैसे निकाला जाए मुहमल को और बामाना को सिर्फ रखा जाए? तो वुज़िअ लिमअनन मुफ़रद कहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा लफ्ज, तो जब लफ्ज बोला तो चाय भी लफ्ज है, वाय भी लफ्ज है, तो वाय को निकालना है कि ये कलमा नहीं कहलाएगा, तो कहा गया वुज़िअ लिमअनन मुफ़रद, तो इसलिए वुज़िअ लिमअनन मुफ़रद उनको बढ़ाना पड़ा। और चूंकि मैंने लम्मा अखज़्तुल क़ौला, मैंने कौल को कलमे की जिन्स बनाया है जो मौजू के साथ खास है यानी बामाना के साथ खास है, तो इस चीज ने मुझे मुस्तग़नी कर दिया, वज़ा की शर्त नहीं लगाना पड़ी। मैंने कहा अल कलिमतु क़ौलुन, कलमा कौल है, कौल बामाना को कहते हैं, तो इसलिए अब ये नहीं कहने की जरूरत है वो कौल जो माने के लिए वज़ा किया गया हो। कौल तो मानेदार ही होता है, लफ्ज के बाद कहना पड़ेगा, क्योंकि लफ्ज बिला माना भी होता है बामाना भी होता है। तो मुहमल बने बेमाना, मौजू मैंने बामाना। अगर आप ये कहें कि लिमा अदलता, आपने क्यों एराज किया, अदल अनहु मैंने एराज करना, इला लफ्ज से कौल को क्यों इख्तियार किया लफ्ज छोड़कर? देखिए अरबी की ताबीर अदला अन इला, जैसे अदलतु अनिल उलूम अस्रियती इला उलूम शरईया, उलूम अस्रिया से मैंने एराज करके शरई उलूम इख्तियार किए, तो लफ्ज से क्यों एराज किया, कौल को क्यों लिया आपने? मैं कहूंगा लफ्ज जिनसे बईद है, क्योंकि इंतलाकी अल मुहमल वल मुस्तमल, क्योंकि लफ्ज मुहमल के लिए भी इस्तेमाल होता है और वल मुस्तमल, और मुस्तमल के लिए भी इस्तेमाल होता है, निबा माना के लिए भी मुस्तमल या मौजू के मायने में, जैसा कि बताया। और कौल जिनसे करीब है, क्योंकि वो बामाना के साथ खास है, लिख्तिसासी बिल मुस्तमल। वल हुदूद, हुदूद माने तारीफात, तारीफात में जिनसे बईद का इस्तेमाल ऐबदार है, मईबुन अहले नजर के नजदीक। जिनसे करीब यानी करीबी तारीफ होना चाहिए, जैसे आप अगर ये कहें कि इंसान ऐसी चीज है जिसका जिस्म हो, जिसमें जान हो, जिसके अक्ल हो, तो ये बहुत दूर की हो जाएगी। और अगर आप कहें कि इंसान अक्लमंद हैवान है, तो फिर जिसमें जान हो ऐसी चीज है, तो चीज तो बहुत दूर की जिन्स हो गई, तो इसलिए करीबी जिन्स से तारीफ करना चाहिए। तो कौल जब कह देंगे तो फिर लंबी तारीफ नहीं करना पड़ेगी, जिनसे बईद के बाद फिर लंबी तारीफ करना पड़ती है। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله واصحابه اجمعين। अब मश्क आज की के कलमा किसको कहते हैं, तो जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, जाहिर है हम बिला माना लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सब मंतिकी बातें हैं, तो जो हर लफ्ज होता है वो कलमा कहलाता है। जैसे इन्ना जैदन आलिमुन, इन्ना ये भी कलमा है, जैद ये भी कलमा है, आलिम ये भी कलमा है, तो अलग अलग जो अल्फाज होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कलमा कहलाते हैं। आप ये कह लीजिए, ये
लफ्ज जो बिला माना हो, ये बिला माना कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये सब नजरियाती बातें हैं। बस जो आप इस्तेमाल करते हैं पूरा जुमला, तो एक जुमले में जो अलग अलग जुज हैं, राई तो जईदन, तो ये राय तो ये कलमा हुआ, जैद ये कलमा हुआ, और पूरा ये जुमला कहलाता है। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।